सो फ्रेंड, मैं हूँ शहाबुद्दीन, प्रोफेशनल ट्रेनर। आप देख रहे हैं ये वीडियो कि एक जेसीबी है और वो जेसीबी जो है पलट जाती है। तो क्यों पलटती है, ऑपरेटर ने क्या गलती करा है, और आज हम इसी गलती को सीखेंगे, इस गलती से हम सीखेंगे कि ऑपरेटर ने क्या गलती करा है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मशीन पलटी कैसे। दरअसल हुआ क्या कि जो ऑपरेटर है उसने उसका गलती है और दूसरा जो उसके बाजू में बैठा है उसका गलती है। पहला ऑपरेटर की गलती है कि मशीन को बहुत ज़्यादा हाइट पे लिया था, और हाइट पे लेने के बाद वो मशीन को बूम को जो है लेफ्ट साइड में स्विंग कर रहा था, यानी कि मशीन को ये जिस तरह हम उठा करके लेफ्ट राइट साइड में करते हैं तो वो मशीन को राइट तरफ मशीन को सरका रहा था बूम से। तो वहाँ पर हुआ क्या, मशीन ज़्यादा हाइट पर गया तो बूम जो है मशीन हल्का सा झुक गया, लगभग देहने से बायां साइड में जो मशीन झुक गया। तो जो लड़का बैठा हुआ था व्हाइट कलर का जो ड्रेस में, वो लड़का डर गया। तो डरने के रीज़न से क्या हुआ कि वो लड़का जो है लीवर की तरफ चला गया, यानी कि उसका जो पीठ का जो हिस्सा है वो लीवर पे लग गया। लीवर पे लगने के कारण क्या, वो स्विंग ही होता चला गया, स्विंग होता चला गया, जिसके कारण जो है मशीन पलट गई। और वो यही लड़का है जो मशीन से इधर नीचे उतर के आया व्हाइट कलर ड्रेस में। जो ब्लैक कलर का ड्रेस था वो ऑपरेटर था। इसमें ऑपरेटर की भी गलती है, जो बैठा था उसका भी गलती है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप लोग वर्किंग करें तो वर्किंग टाइम में आपका मशीन जो है पूरा हाइट पे नहीं होना चाहिए। हाँ, हाइट पे आप ले सकते हैं जब आप थोड़ा मतलब कुछ स्टंट करना चाहें तो, लेकिन आपको पूरा हाइट नहीं लेना वर्किंग के टाइम में। वर्किंग टाइम में आप उतना ही हाइट लें जितना आपको ज़रूरत है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और आप सही तरीके से काम करें, सही तरीके से लोडर लगाएं, सही तरीके से आपको स्टेबलाइजर लगाना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर आप लोगों में कोई भी जेसीबी सीखना चाहते हैं या फोरक्लिप सीखना चाहते हैं, मोबाइल क्रेन, एक्सकवेटर, तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आके सीख सकते हैं, शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड में। 25,000 रुपये ट्रेनिंग की फीस होती है और एक महीने की ट्रेनिंग होगी। रूम, खाना सब कुछ आपको मिलेगा। झारखंड आपको आना होगा। अगर सीखना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर है उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कहाँ आना है, कैसे आना है, आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे जानकारी दिया जाएगा। अगर आना चाहते हैं जल्दी से जल्दी कॉल करें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों की वीडियो शेयर करें जो जेसीबी सीखना चाहते हैं, ताकि उनको भी सीख मिल जाए। तो बस मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।